अलशिफा हॉस्पिटल और विजन 2026 ने जॉइंट कोलेबोरेशन से ये फील्ड कोविड हॉस्पिटल स्टार्ट किया है, क्योंकि 50 ऑक्सीजन बेड हॉस्पिटल है। इसमें आप देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन के सिलेंडर्स आ रहे हैं, तो हमारा जो पूरा सेटअप है बिल्कुल रेडी टू गो है। और ऑक्सीजन सिलेंडर्स का वेट था, और आज से ऑक्सीजन सिलेंडर्स आ गए हैं, तो पेशेंट्स हमारे आने शुरू हुए हैं। तो इस पूरे हॉस्पिटल में प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ है। वार्ड्स भी आप देख रहे होंगे, तो वार्ड्स भी आपको फीमेल और मेल के अलग अलग वार्ड्स हैं। स्टाफ भी मेल फीमेल अलग अलग है मैटर करने के लिए। और हर चीज़ जो है यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, फुल प्रोफेजेड मेडिकल फैसिलिटीज़ के साथ में। इवन प्रॉपर लंच एंड ब्रेकफास्ट एंड डिनर का भी अरेंजमेंट है, क्योंकि ये बीमारी में अक्सर हम लोगों के सुनने में आया कि हॉस्पिटल्स में प्रॉपर मील नहीं मिलने की वजह से लोग रिकवर नहीं कर पाए। तो मील का भी पूरा एक हमारा सेट पैटर्न है। उसके अलावा ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर्स हैं। सिलेंडर्स के अलावा हमारे पास में दूसरी चीज़ें भी हैं कि अगर बाई चांस सिलेंडर का या ऑक्सीजन का कोई ट्रबल होता है तो फिर हम कैसे सपोर्ट सिस्टम देंगे। कंसंट्रेटर्स हमारे पास सपोर्ट बैकअप के लिए हैं। तो ये पूरा प्रॉपर हमने एक हॉस्पिटल स्टार्ट किया है। 50 बेड्स का ये हॉस्पिटल है, जिसमें पेशेंट्स के लिए नर्सिंग स्टाफ के साथ साथ डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, और बाकी सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं। और ये सारी फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि स्पॉन्सर्ड बाई विजन 2026। आप ये भी जानते हैं कि हमारा अलशिफा हॉस्पिटल, जिसको हमने इस बार कोविड में कन्वर्ट किया है, तो इस वक्त हमारे पास 54 बेड कोविड के हैं जो फुल हैं। और 10 से 15 दिन पहले जो सिचुएशन यहाँ पर थी, वो सिचुएशन इतनी बैड, इतनी ख़राब थी कि लोग सड़कों पर गिर रहे थे, वेटिंग में लगे थे, और उनको बेड नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन नहीं मिलनी थी, हम चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे थे। तो इस सूरत हाल को देखते हुए हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने, ट्रस्ट के मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि हमको इमीडिएट हमको एक कोविड सेंटर और डेवलप करना चाहिए, जो अलशिफा के कोऑर्डिनेशन से, कोलाब्रेशन से शुरू होगा। तो ये सेंटर हमने 1 मई को डिसाइड किया कि हमको बनाना है। 15 डेज़ का हमने टारगेट रखा, लेकिन कल 12 मई को शाम तक हमने इसको सारी चीज़ें यहाँ पर सेट कर दी, और उसका कल शाम में यहाँ इनॉग्रेशन किया गया। क्योंकि ईद है कल, तो उसका फंक्शनिंग पूरी हमने ईद के अगले दिन से शुरू करनी है। अभी भी आज भी एक पेशेंट हमारे पास आ गए, तो हमने उनको मना नहीं किया है, एडमिट किया है। और डॉक्टर जो हमारे पास हैं, वो MBBS MD डॉक्टर्स का यहाँ पर उनकी सुपरवाइज होगा। नर्सिंग हमारे पास ट्रेंड है, और 100 सिलेंडर हमने रिजर्व करके रखा है कि हमारे पास अगर 30 से 40 पेशेंट रहते हैं एट ए टाइम, तो उतने ही सिलेंडर हमारे इंगेज होगा, रिफ़िल करके उतना रखा होगा, और एक क्वांटिटी ऐसी होगी जो रिफ़िलिंग के लिए जाएगी। तो इस बैकअप के साथ हम यहाँ पर सेटअप कर रहे हैं। साथ साथ हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी हम बैकअप में रखे हुए हैं कि उसके साथ हम उसको मैनेज करेंगे।